फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर हेल्दी एंड वेलकम सो वेलकम माय न्यू चैनल माय सेल्फ अभिषेक कुमार आई एम योर वर्ल्ड मेंटर। सो टुडे आई विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ द 11th एनसीईआरटी, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी डिस्कस व्हिच टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मिंग ऑफ एनिमल स्ट्रक्चर, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड व्हाट इज देयर फंक्शन। सो ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस इन कॉन्सेप्चुअल मैनर्स एंड इंटरेस्टिंग मैनर। So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in description box and WhatsApp from my channel. So please go through WhatsApp from my channel and click the social media icon and join me there. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. So friends, start today's topic. So today's topic is muscle tissue. In our previous video, we discussed about connective tissue. So but in this particular video, we discuss about muscle tissue. So in muscle tissue, we discuss about skeletal muscle, smooth muscles, and cardiac muscles. Each and everything we discuss in this particular video. So first we did what it is in NCERT textbook. After that, we elaborate each and everything with simple and easy manner. So let us start without wasting any time. So each muscles is made up of long cylindrical fibers arranged in parallel array. तो हमारा जो मसल्स होती है, जो हमारी मसल्स बनी होती है, वो हमारे बहुत सारे सिलिंड्रिकल फाइबर से, लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर से मिलके बनी होती, जो कि हमारे पैरेलल अरे पे अरेंज होते हैं। जैसे हमारी बाइसेप्स की मसल, ये हमारी बाइसेप्स की मसल हुई, तो ऐसे जो फाइबर्स होंगे वो हमारे मसल्स फाइबर्स अरेंज होंगे पैरेलल वे पे, है ना, पैरेलल वे पे अरेंज होंगे और वो हमारी मसल्स बनाएंगे। दीज फाइबर्स आर कम्पोज ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स। ये जो फाइबर्स होते हैं ना, इसमें न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स होते हैं, जो कि हमारा फाइबर्स होते हैं, वो जिससे हमारा फाइबर्स मिलकर बना होता है ना, फाइन फाइब्रिल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मायो फाइबर्स बोलते हैं। मायो इज द यूनिट ऑफ द मसल्स, है ना, इसको मसल्स बोलते हैं। मायो वर्ड जो रिलेटेड है, हमारा मसल्स रिलेटेड है, फाइब्रिल्स मतलब हमारा फाइबर्स रिलेटेड है, ठीक है। मसल्स फाइबर्स कॉन्टैक्ट, जब हमारे मसल फाइबर कांटेक्ट करते हैं तो वो शॉर्ट हो जाते हैं। इन रिस्पांस टू स्टिमुलेशन देन रिलैक्सेशन, जब वो रिलैक्स होंगे तो वो लेंथ में अपनी इंक्रीज हो जाएंगे। एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्टेक्टेड स्टेट इन कोऑर्डिनेटेड फैशन, मतलब जब हमारी मसल स्टिमुलेट होती है तो वो कॉन्टैक्ट होती है, और जब वो रिलैक्स होती है तो वो उसकी लेंथ में फिर से अपनी अनकॉन्टैक्ट स्टेट में पहुँच जाती है, जैसी वो पहले थी उसी टाइम में वो पहुंच जाती है अपनी नॉर्मल स्टेज पे, है ना। ये जो होता है ये कोऑर्डिनेशन फैशन पे होता है, यानी पहले हमारी मसल्स जो हमारी कॉन्टैक्ट करेगी, है ना, पहले हमारी मसल्स क्या करेगी, मसल्स कॉन्टैक्ट करेगी, उसमें स्टिमुलस जाएगा तो क्या करेगी, कॉन्टैक्ट करेगी, फिर क्या होगी, वो रिलैक्स करेगी। ये जो कॉन्टैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ये कोऑर्डिनेशन फैशन पे होता है, मतलब वो एक पहले कॉन्टैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा, है ना, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है, अच्छे से दोनों फंक्शन करते हैं। द एक्शन मूव द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंज इन एनवायरमेंट एंड टू मेंटेन द पोजिशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। ये जो हमारा इसमें स्टिमुलस होता है, हमारी मसल्स में स्टिमुलस मिलता है, तो हमारी मसल्स क्या होती है, हमारी बॉडी की जो मसल्स होती हैं, वो जैसे हमारा इन्वायरमेंट कंडीशन प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन से, जैसे ठंडी है, बहुत ठंडी का सीजन चल रहा है, तो हमें ठंडी लगी तो हम क्या करेंगे, हम घर के अंदर या कहीं दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर ठंडी नहीं होती है, है ना, जहाँ पर हमारे लिए सूटेबल कंडीशन होती है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने के अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराते हैं, एनी वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी मूव अवर बॉडी, सो विद द हेल्प ऑफ मसल्स। तो इसमें क्या है ना, कि हम अपनी बॉडी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एनवायरमेंटल कंडीशन के चेंज होते हुए हम अपनी बॉडी को सुटेबल स्थान पर ले जाते हैं, तो हमारा वो मसल्स के द्वारा ही जाती हैं, हमारी बॉडी में उसके लिए मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो मसल्स होते हैं, मसल टिश्यू होते हैं, हमारी बोन से अटैच होते हैं और हमारे मूवमेंट कॉज कराते हैं, वही हमको इसमें बताया गया है। देयर एक्शन मूव द बॉडी टू एडजस्ट द चेंज इन एनवायरमेंटल एंड मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, एनवायरमेंटल के चेंजमेंट के हिसाब से हमारी जो वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी की पोजीशन मेंटेन होती है, ठीक है। इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल, जी इन जनरल क्या बताया गया इसमें हमको, इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन आल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यानी हमारी मसल्स जो होती है एक्टिव रोल प्ले करती है, जितने भी मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी में उसके लिए मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, मसल्स उसमें एक्टिव रोल अपना अदा करती है, ठीक है।
मसल्स आर थ्री टाइप्स, जो मसल्स होती है हमारी थ्री टाइप होगी। मैंने आपको बताया था स्केलेटल मसल्स होती है, स्मूथ मसल होती है, कार्डियक मसल्स होती है। क्या होती है उसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ लेते हैं। सो स्केलेटल मसल फर्स्ट हमको दिया है, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो होती है हमारी क्या होती है, वॉलंटरी मसल होती है। स्केलेटल मसल को हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल बोलते हैं। वॉलंटरी मसल बोलते हैं। वॉलंटरी मसल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार ही काम करती है, जिसको ऐच्छिक बोलते हैं, ऐच्छिक मसल हिंदी में बोलते हैं। ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। वॉलंटरी मसल्स वो होती हैं जिसको हम अपने हाथ से टच कर सकते हैं, इन जनरल जिसको हम छू सकते हैं वो हम वॉलंटरी बोलते हैं उसको, ठीक है। स्केलेटल टिश्यू इज क्लोजली, स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स, है ना। जो हमारे स्केलेटल मसल के टिश्यू होते हैं वो हमारी स्केलेटल बोन से क्लोजली अटैच होते हैं, यानी उनसे जुड़े होते हैं, है ना। स्केलेटल क्या होता है, हमारा बॉडी का जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है हमको, बॉडी का ढांचा प्रोवाइड कराता है, वो हमारा स्केलेटल होता है, है ना। स्केलेटल बोन होती है उसमें कितनी होती हैं, 206, जो हमारी बॉडी में बोन होती हैं वो कितनी होती हैं, 206 होती हैं। उनसे हमारी स्केलेटल मसल टिश्यू क्लोजली अटैच होते हैं, है ना, और हमारा फिर मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। इन टिपिकल मसल्स सच एज द बाइसेप्स, जो हमारी एक टिपिकल मसल होती है बाइसेप्स की, मैंने आपको बताया, ये बाइसेप्स की जो मसल होती है वो क्या होती है, इसमें क्या होता है, बाइसेप्स की मसल होती है, इसमें जो फाइबर्स होते हैं ना, मसल फाइबर होंगे वो पैरेलल अरेंज होते हैं, पैरेलल अरे पे अरेंज होंगे। अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द मसल फाइबर, है ना। अरे का मतलब कहीं भी दिया है तो उसका मतलब होगा अरेंजमेंट, है ना। और किस हम मसल के बारे में पढ़े तो मसल का अरेंजमेंट के बारे में आपको बताया गया है। इन टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स स्ट्रेटेड, है ना, स्ट्राइपेड स्केलेटल मसल्स फाइबर्स आर बंडल टुगेदर इन द पैरेलल फैशन, जो कि हमारे मसल्स फाइबर्स के बंडल होते हैं वो हमारे पैरेलल फैशन पे अरेंज होते हैं, ठीक है। स्ट्राइपेड का मतलब होता है इसमें बैंड पाए जाएंगे, है ना, उसमें क्या पाए जाएंगे, बैंड पाए जाएंगे उसमें। मैं आपको बताऊंगा ऐसे 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 बैंड दिखेंगे, फिगर जब मैं आपको दिखाऊंगा तो इस टाइप के बैंड पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारी स्केलेटल मसल होती हैं इनवॉलंटरी, सॉरी स्केलेटल मसल जो होती है हमारी वॉलंटरी होती हैं, है ना, उनमें बैंड पाए जाएंगे, ठीक है। और वो क्या होते हैं, उसके जो मसल फाइबर्स होते हैं वो हमारे पैरेलल अरेंज होते हैं, ठीक है। ए सीट ऑफ द टप कनेक्टिव टिश्यू, जो ए सीट ऑफ टप कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोज सेवरल बंडल ऑफ मसल्स फाइबर्स, जो हमारी एक टप कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है ना, टप कनेक्टिव टिश्यू की एक सीट होती है जो कि हमारे बहुत सारे मसल्स बंडल को वो इनक्लोज करती है, है ना। जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू की एक, मान लो मसल्स बंडल ये हो गए, मसल्स फाइबर के ये हो गए, तो एक कनेक्टिव टिश्यू की टप कवरिंग हो जाएगी जो कि हमारे इनको इनक्लोज कर लेगी, है ना, इनको इनक्लोज कर लेगी। तो ये हम इन डिटेल्स में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20 में, जिसमें स्केलेटल सिस्टम हमारा दिया गया है, उसमें हमको सब बताया गया है मसल्स के बारे में और बोन्स के बारे में भी बताया गया है। सो इसमें फिगर में क्या दिया है, फिगर आपको दिखाते हैं। सो ये जो है ये हमारा स्केलेटल मसल का है, इसमें स्ट्रेशन दिए गए हैं, मतलब इसमें हमारा क्या है, ये बैंड दिए गए हैं, ये हमारा एक्शन पोटेंशियल को वैनिश नहीं होने देते हैं, है ना, एक्शन पोटेंशियल मेंटेन करते हैं। और ये हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस तो हमारा होगा जिसमें होगा वो न्यूक्लियस ही सुपीरियर वो सारे फंक्शन मेंटेन करता है, जो कि हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ही सारे फंक्शन मेंटेन करेगा, सारे फंक्शन कॉच कराएगा और उसको कंट्रोल करेगा। देखते हैं स्मूथ मसल के बारे में, स्मूथ मसल्स क्या होती हैं। तो स्मूथ मसल्स जो होती हैं हमारी क्या होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं, यानी वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। वो जो कि स्मूथ मसल्स पाए जाएंगे हमारे इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी में पाए जाएंगे, जैसे हमारे इंटेस्टाइन हो गया, तो इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी में पाई जाती हैं। तो देख लेते हैं टेस्ट में क्या लिखा हुआ है। सो स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड, जो स्मूथ मसल फाइबर होते हैं दोनों तरफ नुकीले होते हैं, टेपर्ड होते हैं, एज लाइक, है ना। सो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजी फॉर्म बोलते हैं, है ना। दो जो दोनों तरफ टेपर होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, फ्यूजी फॉर्म। एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशन, है ना, मतलब उसमें
बैंड नहीं पाए जाएंगे जो कि हमारे स्केलेटल मसल में पाए जा रहते हैं, वो उस टाइप के बैंड नहीं पाए जाएंगे, है ना। स्मूथ मसल जो होती हैं वो हमारी फिजी फॉर्म होती हैं, और इनको हम स्पिंडल शेप भी बोलते हैं, कि हमारी जो स्मूथ मसल होती हैं कैसी होती हैं, स्पिंडल शेप होती हैं, स्पिंडल शेप, ये हमारी स्पिंडल शेप होती हैं, इसमें बैंड नहीं पाए जाएंगे, और ये हमारी इनवॉलंट्री होती हैं, दोनों तरफ टेपर्ड होती हैं, इसलिए हम इसको फुजी फॉर्म बोलते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी में पाई जाती हैं। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन ए कनेक्टिव टिश्यू सीथ, है ना। जिसमें सेल जंक्शन होते हैं, इनमें सेल जंक्शन हो गए, इनको होल्ड करके रखेंगे, जितने भी हमारे स्मूथ मसल्स के बंडल होंगे उनको होल्ड करके रखेंगे कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग से, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की उसको होल्ड करके रखेंगे। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स, मैंने आपको बताया इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी में पाए जाएंगे, है ना, जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उसमें हमारी स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, उसका एग्जाम्पल दिया गया है कहाँ कहाँ पर पाई जाएंगी। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज द ब्लड वेसल्स, यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स होंगी तो उसमें पाई जाएंगी स्मूथ मसल्स, है ना, स्टमच में पाई जाएंगी और हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाएंगी। कंटेंट दिस टाइप ऑफ द मसल टिश्यू, यानी स्मूथ मसल्स हमारी कहाँ कहाँ पे पाई जाएंगी, इंटरनल ऑर्गन बॉडी यानी ब्लड वेसल्स में पाई जाएंगी, स्टमच में पाई जाएंगी, इंटेस्टाइन में पाई जाएंगी। आगे क्या है, स्मूथ मसल्स आर इन्वॉलंट्री, मैंने आपको बताया था स्मूथ मसल जो होती हैं वो इन्वॉलंट्री होती हैं, यानी वो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं, ठीक है। एज दे आर फंक्शनिंग नॉट डायरेक्टली कंट्रोल, है ना, उनकी फंक्शन को हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वी यूजली आर नॉट एबल टू मेक कॉन्टैक्ट, वी आर नॉट यूजली एबल टू मेक कॉन्टैक्ट मेनली बाई थिंकिंग अबाउट वी कैन विद स्केलेटल मसल, इसका मतलब यही है कि जैसे हम स्केलेटल मसल को अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते थे, जैसा हम सोचते थे कि जब हम जरूरत हो, जैसे स्केलेटल मसल हमारा जॉ की मसल्स हो गई, जब मन आया तो मैंने इसको चला लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, ठीक है। बट इसको हमारा स्मूथ मसल के केस में ऐसा नहीं है कि हम अपने इंटेस्टाइन का मूवमेंट करा दें अपनी इच्छा के अनुसार, ऐसा नहीं होता है, स्मूथ मसल के केस में नहीं होते हैं। हमने नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल्स क्या है वो देख लेते हैं। कार्डियक मसल टिशू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिशू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, इसके नाम से ही पता चल रहा है कार्डियक का मतलब होता है हमारा क्या होता है, कार्डियक का मतलब होता है हमारा हार्ट, ठीक है, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। जो हमारे कार्डियक मसल टिशू होंगे वो कहाँ पे पाए जाएंगे, वो हमारे हार्ट में पाए जाएंगे, है ना। ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं सिर्फ, जो कि सिर्फ 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 हार्ट में ही पाए जाते हैं, कार्डियक मसल टिश्यू हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, है ना। इसमें क्या बताया हमको, जो सेल जंक्शन होंगे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएंगे कार्डियक मसल सेल में, और उसी के साथ वो स्टिक हो जाएंगे, मतलब वो चिपक जाएंगे, है ना। जो हमारे इसमें सेल जंक्शन होते हैं कार्डियक मसल फाइबर्स, कार्डियक मसल टिश्यू में जो हमारे सेल जंक्शन होते हैं वो हमारे कार्डियक मसल से फ्यूज कर जाते हैं, कार्डियक मसल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसके साथ फ्यूज कर जाएंगे, और उसी के कार्डियक मसल में वो स्टिक हो जाएंगे, वो चिपक जाएंगे उसी के साथ में, ठीक है। कम्युनिकेशन जंक्शन, कम्युनिकेशन जंक्शन ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे कार्डियक मसल में। ये कम्युनिकेशन जंक्शन जो है हमारा इंटरकैलिएटेड डिस्क, है ना, इंटरकैलिएटेड डिस्क जो होती है हमारी क्या करती हैं, ये हमारी जो एक्शन पोटेंशियल हमारा जनरेट होता है, जैसे हमारी हार्ट में जैसे नोड जो होता है कार्डियक पेसमेकर जिसको बोलते हैं, वो अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, पल्स जनरेट करता है, वो हमारा ए बी नोड पे जाता है, ए बी नोड के बाद हमारा आगे फर्दर ट्रांसफर होता है, तो हमारा जो एक्शन पोटेंशियल हुआ वो वैनिश ना हो, यानी एक्शन पोटेंशियल वैनिश होने का मतलब एक्शन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल हमारा जनरेट करती हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, है ना, ये इसको कम्युनिकेशन डिस्क बोलते हैं। तो ये हमारे एक्शन पोटेंशियल को वैनिश नहीं होने देती, यानी वैनिश होने का मतलब एक्शन पोटेंशियल को खत्म नहीं होने देती हैं, उसको बनाए रखती हैं, ठीक है। द कम्युनिकेशन जंक्शन इंटरकैलेटेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ टू द सेल कॉन्टैक्ट एज यूनिट, है ना, इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं वहाँ पे हमारे कुछ कुछ फ्यूजन पॉइंट होते हैं जहाँ जो कि हमारे एज ए यूनिट काम करते हैं। व्हेन वन सेल रिसीव सिग्नल टू कॉन्टैक्ट, जब किसी सेल पे एक सेल पे सिग्नल आया तो वो दूसरी सेल भी उसके पास वाली सेल भी स्टिमुलेट हो जाती है कॉन्टैक्ट करने के लिए, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल उसमें भी ट्रांसमिट हो जाता है। तो आपको फिगर दिखाते हैं हम, तो ये जो हमारा ए फिगर दिया गया है ये हमारा मसल टिश्यू के बारे में, स्केलेटल मसल के बारे में दिखाया गया हमको, स्केलेटल मसल का टिश्यू फिगर है हमारा ये,
स्केलेटल मसल का फिगर है। ये हमारी मसल जो होती हैं क्या होती हैं, वॉलंट्री होती हैं, और इसमें क्या होते हैं स्ट्रेसन शो होते हैं, यानी इसमें बैंड पाए जा रहे हैं। इसमें न्यूक्लियस तो सारी मसल्स में होगा, है ना, सारे मसल्स में न्यूक्लियस होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो सुपीरियर होता है, वो फंक्शन को कंट्रोल करता है। और जो हमारी स्मूथ मसल्स होगी इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी में पाई जाएंगी, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, है ना, स्टमच हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, और ये हमारी जो है फ्यूजी फॉर्म है, दोनों तरफ इनके टेपर्ड एंड हैं, इसलिए इनको हम फ्यूजी फॉर्म बोलते थे, और स्पिंडल शेप भी बोलते हैं इनको। ठीक है, इसमें भी न्यूक्लियस पाए जाएंगे जो कि फंक्शन कंट्रोल करेंगे, जो कि सिर्फ कहाँ पे पाई जाती हैं, जो सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती हैं। कार्डियक मसल जो कि सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं, ये हमारी इनवॉलंट्री होती हैं, और क्या इसमें ब्रांच दिए गए हैं, यानी ये ब्रांच होती हैं, ठीक है, ब्रांच्ड होती हैं, इनवॉलंट्री होती हैं। इसमें भी स्ट्रेसन शो किए गए हैं, इसमें बैंड शो किए गए हैं, इसमें भी न्यूक्लियस है जो कि इसका फंक्शन कंट्रोल करेगा। इसमें जंक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल, है ना, दो सेल के बीच में, एडजेसेंट मतलब होता है अगल बगल वाली सेल के बीच में जंक्शन, है ना। और ये हमारी इंटरकैलेटेड डिस्क, जो ब्लैक दिए गए हैं हमको, ये इंटरकैलेटेड डिस्क हैं, जो कि हमारी एक्शन पोटेंशियल को वर्निस नहीं होने देती, यानी हमारा एक्शन पोटेंशियल अगर एक सेल पे आया, एक कार्डियक सेल पे आया तो उसके बगल वाली सेल होगी, इस पर भी एक्शन पोटेंशियल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जा रही हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल को वर्निस नहीं होने देती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। इफ़ यू लाइक माई सेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर माई वीडियो विथ फ्रेंड्स। सो टेक केयर, बाय बाय।